अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, और ये इंडिया की बड़ी फेमस रेसिपी है, बहुत ज़्यादा फेमस, और वहाँ के लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं। तो आज हम ये बना रहे हैं, तो हमने करना क्या है, सिर्फ सिंपल रेड वाली लोबिया ले लेनी है बड़ी वाली, और उसको जो है ना आपने धो के भिगो देना है दो घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपने उसको प्रेशर कुकर में डालना है, तेज पत्ता डालना है, साथ में बड़ी इलायची डालनी है, नमक डालना है, और उसको प्रेशर कुकर लगा के ढक्कन बंद करके अच्छे से 20 मिनट के लिए आपने उसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये अच्छे से गल जाएगा, 20 से 25 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। इसको साइड में रख देना है, इसका पानी नहीं फेंकना, इसको इसी समय साइड में रख देना है। अब आपने तेल गरम करना है, तेल गरम करने के बाद उसमें आपने डालना है जीरा, तेजपत्ता, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। उसके आपने क्या करना है कि जितना भी गुस्सा है वो सारा का सारा प्याज को निकालना है, प्याज का कचुंबर बना के वो इसमें डाल देना है। उसको आपने इसको फ्राई कर लेना है, स्टर फ्राई करना है, उसको छोड़ के भाग नहीं जाना है, उसको स्टर फ्राई करना है और उसको गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है हल्का सा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जितने मसाले आपके किचन में पड़े हैं सारे उठाओ, सुट दो इसमें, और साथ ही इसमें कचुंबर हुए टमाटर भी डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स कर लो, उसको थोड़ी सी देर के लिए भून लो, ऑयल ऊपर आ जाए, उसके बाद पानी डाल दो। पानी डालने के बाद 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून पानी डाल दो। पानी डालने के बाद उसको बंद कर दो ढकने को, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उनकी अकड़ खत्म हो जाए और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको खोल लेना है ढकने को, उसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आपने क्या करना है, जो लोबिया हमने बॉयल की करके रखी थी 2000 साल पहले, वो इसमें डाल देनी है पानी के साथ, और उसको जो है ना चला लेना है। और चलाने के बाद दम पर रख देना है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद आपने इसको चॉप हुआ हुआ धनिया डाल दो और हरी मिर्च डाल दो, और इसको दोबारा से दम पर रख दो 5 मिनट के लिए। उसके बाद मज़ेदार से आपका लोबिया तैयार हो गया, लोबिया का सालन। अब आपने चावल बॉयल करना है, बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसके साथ सर्व कर देना है, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी राजमा चावल की। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोस एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। स्टे कनेक्टेड विद मी, मुझे रखना अपने दुआ में, अपना रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। आई एम योर होस्ट अभिषेक, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।